Say shit it all. Next boy, next boy, next boy, next boy. DJ Shlomo, DJ Shlomo. Abu Dhabi में मंदिर बन रहा है, जहां 100% मुसलमान हैं। वहाँ के मुसलमानों को श्री राम से, कृष्ण से, हिंदू के किसी भी देवी देवताओं से कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। कारण वहाँ अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस पार्टी नहीं है और सोनिया, राहुल, कपिल सिब्बल, ममता मायावती, मुलायम जैसे देश को तोड़ने वाले भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं है। किराए के मकान में रहता था, आज वही वो वैसी 100 करोड़ रुपए की औकात रखता है। इस बात को हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों को सोचना चाहिए। और ओवैसी का एक भाई है जो कहता है कि 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, फिर हम सभी हिंदुओं को काट देंगे। अरे मूर्ख, जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी प्रशासन हटाए तो थे 5 दिन के लिए, भूल गए हो जो अभी तक बाप बाप चिल्ला रहे हो, बाप बाप चिल्ला रहे हो। सऊदी अरब के धर्म गुरु का कहना है कि असली मुसलमान वो लोग हैं और वो लोग ही मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं और जो कन्वर्टेड मुसलमान, और हकीकत भी यही है, तुम जैसे गद्दार देश द्रोही मुसलमानों की औकात भी यही है। सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व कभी नहीं जगमगाता है। और इस ओबैसी के गिद्दड़ भपकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है, कुत्ता ही भागता है, कुत्ता ही भागता है, कुत्ता ही भागता है, कुत्ता ही भागता है। मंदिर तो बन के रहेगा, कोई माई का लाल श्री राम प्रभु का मंदिर बनने से रोक नहीं सकता है। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तराशे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तराशे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद।